यमुना में गंदा पानी पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। यमुना में बढ़ रहे गंदे पानी को लेकर गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने प्रशासन के आला अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से आ रहे गंदे पानी को कल कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज सुबह गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने प्रशासन अधिकारी ADM FR व सिटी मजिस्ट्रेट को अवगत कराया कि यमुना में लगातार गंदा पानी आ रहा है। इसी को लेकर आज सिंचाई विभाग के अधिकारी के संग प्रशासन अधिकारी ADM FR व सिटी मजिस्ट्रेट ने मसानी पंपिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मसानी पंपिंग स्टेशन के पास जो गंदे पानी को रोकने के लिए दीवाल बनाई गई थी, पानी उस दीवाल को तोड़ते हुए सीधा यमुना में जा रहा था। अधिकारियों ने पंपिंग स्टेशन पर कर्मचारियों से जानकारी ली तो कर्मचारियों ने बताया कि आज सुबह इतनी तेजी से पानी आया कि पानी दीवाल को तोड़ते हुए सीधा निकल गया। ADM FR रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द यमुना में जा रहे गंदे पानी को रोका जाए। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से यमुना में गंदा पानी जा रहा है। पिछले 3 दिन से यहाँ जो हमारा जो पंपिंग स्टेशन है मसानी वाला, यहाँ ऊपर से काफ़ी तेज़ी से पानी अचानक बढ़ गया। ये स्वाभाविक रूप से नहर का पानी है, राल डैम पर भी आता है और उधर से अर्लिंग वाली से भी आता है। इनके संज्ञान में लाया गया, लेकिन वो जो है यथा कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। कल ये विश्वास था कि साहब हमने बंद करा दिया है सिंचाई विभाग ने, आज सुबह इतनी तेज़ी से पानी आया कि वो जो ये दीवार लगी थी वो भी तोड़ दी पानी ने, तो वो यमुना की स्थिति और 3 दिन से और ज़्यादा ख़राब होगी। तो फिर जो हमारे नोडल अधिकारी हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त ADM FNR श्री रविंद्र कुमार जी, उनको संपर्क किया तो उनने सिंचाई विभाग के सब अधिकारी थे, यहाँ XN थे, AE थे, जल निगम के सब अधिकारी यहाँ वसीम जी वगैरह मौजूद हैं, त्रिवेणी जो इस समय चला रही है इन स्टेशनों को उसके भी अधिकारी मौजूद हैं। तो यही था कि जब तक आप कड़ाई से इसको रोकेंगे नहीं ऊपर से पानी को, क्योंकि ये एक तो आधा पानी वैसे ही जो जा रहा है, मान के चल रहे हैं कि 2 पंप चलने चाहिए, 1 पंप ही चल रहा है, 2 चलाते हैं तो लाइन फट जाती है। अब उसमें भी आधे में भी आप जो है कम से कम 50 ml पानी ऊपर से है, ये अधिकारी बता रहे हैं। तो जितना पानी यमुना में ऊपर से हम जो हरदौल स्केप पर से मिला करके साफ करते हैं उससे ज़्यादा गंदा पानी, तो नहर का पानी वो साफ नहर का पानी होगा जैसा भी होगा, लेकिन ये नहर का पानी जितनी कीचड़ जमा है 3-3 फुट 4-4 फुट कहीं 6 फुट कहीं 10 फुट उस सब कीचड़ को केमिकल को सबको तोड़ करके यमुना में डाल रही है। तो ये इतना बुरा दृश्य है कि यमुना ये आयुष्मान पान तो क्या पास खड़े होने बदू मार रही है, तमाम लोग जो है आहत हैं और ज़्यादा केमिकल पहुंच गया। तो अभी जो यमदुतिया से पहले जो मछली मारी घटना हुई थी वह भी घटना बड़े स्तर पर हो सकती है यदि इसको समय रहते नहीं रोका गया। इन सब बातों को लेकर के ये सब अधिकारी इकट्ठे हुए हैं, कहा तो गया 2 घंटे कंट्रोल कर देंगे, और वो अधिकारी गए DM साहब को भी संज्ञान में लाने के लिए, तो पूरा प्रयास है रुके नहीं रुकेगा। तो यमुना की स्थिति मतलब बहुत दिन बाद ऐसी लगी है कि ये ऐसा हाल कर दिया कि यमुना को नाला बना दिया इनकी लापरवाही से। एक तो कोई दैवी प्रकोप हो, एक इनकी लापरवाही से ये दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। क्या लोग त्रैवाम करके और अपने आप को मतलब यही है कि आदमी दुखी हो कोसते ही जा सकता है, लापरवाही मान लिया। ये इसमें मुख्य भूमिका सिंचाई विभाग की, मुख्य जो आज जो स्थिति है इसमें ओवरफ्लो की उसमें जिम्मेदार सिंचाई विभाग, और इनकी लापरवाही से इनकी जो है या जो वहाँ के किसान हैं उनको कोई ओबलाइज करके उस दृष्टि से ये सब ये करते हैं, जिसका दुष्परिणाम मात्र जो श्रद्धालुओं को भोगना पड़ रहा है। उधर जो बैराज पर भी ना करना पानी, बैराज वाले कहते हैं कि जितना पानी हम साफ करवाते हैं उससे और दूनी हम जो क्लोरीन मिलाएं